मैं ब्रिगेड साहब आपसे जानना चाहूंगा एयर चीफ का जो स्टेटमेंट है आज कि ड्रोन मार गिराएंगे, अब मुस्कुराहट बड़ी मानी खेज है मुझे, अगर इस पर कुछ तबसरा कर दें कि अब बहुत पहले कर लेना चाहिए था, दिस इज द राइट टाइम जो अब करने की तरफ जा रहे हैं। देखिए जी, हम ये इस किस्म की स्टेटमेंट थे 2011 तक भी हम बड़े कंडेम करते रहते हैं, उस वक्त भी वो कहते थे कि आप इसको मार गिराएंगे, वो उड़ती शमसी से थे और पाकिस्तान में अटैक करते थे, ठीक है, हकीकत है। तो आप उसके ऊपर क्या उसके ड्रोन गिराएंगे, कल को अगर यूएस एयरफोर्स का कवर आ जाए उसके साथ तो आप क्या करेंगे, पाकिस्तान एयरफोर्स को वाइप आउट कर देंगे विद इन हाफ एन आवर, यू वॉन्ट दैट? ये क्या मतलब है कि हम वो करते हैं, वी हैव अ पेंशेंट फॉर प्लेइंग विद द बिग बॉयज, क्या मतलब है कि हमें बचपन बताया गया था कि ना बड़ों के साथ खेलो ना छोटे के साथ खेलो, अपने हम उम्रों के साथ खेलो, हम बड़ों के साथ खेलते हैं। अब सोवियत यूनियन, वी वर पुलिंग फेसेस एट सोवियत यूनियन बिकॉज वी वर सेटिंग इन द अमेरिकन लैब, चलो ठीक है गुजारा था, एक सुपर पावर को बचा ले, ठीक है। अभी आपको बचाने वाला कोई नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान से, ये हमारे जो बैठे हुए हैं स्ट्रेटेजिस्ट वो कहते हैं कि जी अगले साल निकलने वाले, अगले साल निकलने वाले, इसको 17 साल हो गए अभी तक निकला नहीं है और अगले 10 साल वो नहीं निकलने वाला, ये मेरे से आप ले लें, इट्स कम टू स्टे देयर, उसके अपने कोई मकासद हैं, स्ट्रेटेजिक मकासद है, वो इससे नहीं है कि वो पाकिस्तान क्या कर रहा है, तालिबान क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या उसकी है तकरीबन $12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है पर ईयर और 6 to 7 कैजुअलिटीज पर ईयर, इससे ज्यादा कैजुअलिटीज US 7 फ्लीट में एक्सीडेंट्स में होती हैं, बाकी तो वो अफगान फौजी हैं जो उन्होंने एक फौज तैयार की है, हाँ वो अफगान लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कॉमन ग्राउंड निकालने चाहिए और इस रियलिटी के साथ कि जो अगले 10 साल ये यहां पर रहने वाले हैं उसके साथ आप मुफाहमत पैदा करें, वो आपके लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। और दूसरी बात यह है, ये जो पॉलिसी हम जो ऊपर से बॉम्बास्टिक किस्म की बातें करते रहते हैं जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब और बाकी, ये सारी हमारे पब्लिक के लिए है, अंदर जाके लेट जाते हैं, चले ब्रिगेड साहब फॉर द फेस ऑफ इट कम अज कम करना तो शुरू, फेस ऑफ इट बात करना तो शुरू की, इससे पहले तो आप सुन के डांट खा के आ जाते थे, बयान तक नहीं, क्या करते हैं वो मुल्क को टर्मोइल में डालते हैं ना, मतलब है कि आप सच नहीं बताते हैं ना, बिल्कुल आप अंदर जाके लेट जाते हैं, बाहर जाके आप बॉम्बास्टिक स्टेट, एब्सोल्युटली अमेज्ड। अगर आप मुझे 1 मिनट इजाजत दीजिए, जी डॉक्टर साहब, मैं मानती हूँ कि ब्रिगेड साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे, लेकिन आप मुझसे ज्यादा ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो थी वो उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स और कंपल्शंस थे, और वो कंपल्शन शमसी भी था, वो कंपल्शन हमारा यूटर्न भी था फॉरेन पॉलिसी में। तो अगर आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में चॉइसेस और ऑप्शंस हैं तो इनको रेकग्नाइज करने से इतना आप चॉइसेस और ऑप्शंस ना होती तो ये स्टेटमेंट पहले भी आ सकते थे ना, नहीं एक मिनट मैं बहुत देर से आपको बिरेट करता हुआ सुन रही हूँ पाकिस्तान को, वो ऑप्शंस, और मुझे अफसोस है कि आप बिरेटिंग पाकिस्तान, प्लीज एब्सोल्युटली यू आर नॉट बी रेटिंग। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, आप सर्टिफिकेट इशू ना करें, अच्छा ब्रिगेड साहब एक सेकंड, हम डॉक्टर साहब का पॉइंट गलत बात करें, बिल्कुल गलत बात, इसका मतलब है नॉट वेलिंग टू लिसन टू अ जजमेंट, आपने ऑप्शंस का पूछा ना, ऑप्शंस नहीं फॉरेन पॉलिसी की ऑप्शंस की लॉजिक की बात करें, डॉक्टर व्हाई हैज शी इशूड द स्टेटमेंट दैट वी आर रेटिंग पाकिस्तान, वो नॉट बी रेटिंग पाकिस्तान, सर ठीक है मैं डॉक्टर साहब, आपने फरमाया नॉट बी रेटिंग पाकिस्तान, आप हमें सर्टिफिकेट ना दें, मत दीजिए प्लीज, डॉक्टर साहब आप अपनी बात करें, प्लीज वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक, आई थिंक आई एम गोइंग टू लीव द शो इफ द स्टेटमेंट डजंट कंट्रोल हिज टोन, ही हैज नो राइट टू बी जजमेंटल, इफ ही डजंट कंट्रोल हिज टोन आई एम गोइंग टू, मुझे एक डॉक्टर साहिबा से एक सवाल कर लूं, उनका जवाब ले लेते हैं, उस पर फिर आप अपनी राय दीजिएगा। डॉक्टर साहिबा, आपने फॉरेन पॉलिसी में ऑप्शन की बात की है, क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास फॉरेन पॉलिसी में, मुझे सिर्फ ये बता दें ताकि इस पर इनका पॉइंट आ जाए। देखिए फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन इस वक्त पाकिस्तान के पास ये है कि चाइना की जो आपके लिए बैकिंग है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आई है, और इसी बैकिंग के तहत आपने जनरल कमर बाजवा साहब का स्टेटमेंट सुना था कि जी ना हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए अमेरिका से और ना ही हमें उनसे अस्करी असिस्टेंस चाहिए, हमें इस बात का इदराक चाहिए कि जो हम रोल प्ले कर रहे हैं उसको वो रेकग्नाइज करे जी। उसके साथ साथ बावजूद इसके कि अमेरिका इज द बिग बॉय और आपकी उनकी हमारे साथ एंगेजमेंट तो उनकी कंपल्शन है ना,
आज भी जब वो फौजी कमिट करेंगे अफगानिस्तान में मजीद, तो उनकी तरसील तो पाकिस्तान के ही थ्रू होगी ना। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूसली ऑप्शंस देता है उसकी फॉरेन पॉलिसी में। ठीक। और मैं यहां पे किसी से भी नाराज नहीं हूं, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रही हूं कि हमारे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे जिसपे हम फॉरेन पॉलिसी चलाते थे, और अगर अब कोई स्पेस क्रिएट हुई है और उस हवाले से पाकिस्तान काम कर रहा है, तो फिर माजी का हवाला देकर हर चीज को डिग्रेड या डाउनग्रेड कर देना शायद मुनासिब नहीं है। ठीक है, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रिगेड सर, मतलब है कि वो अगर आप उनसे वो ले लें कि इंटरव्यू ना करें दोबारा, मतलब है कि आई डोंट थिंक वी हैव समबडी एल्स, आप अपना नुक्ता दें, आप अपना नुक्ता देखें। इस जिंगोइस्टिक एंड बॉम्बास्टिक जो हमारे पॉलिसीज होती हैं, हमने आधा मुल्क खो दिया, हमारा जल यह चला गया। क्यों हम अब पाकिस्तानी नहीं है? मुझे सबसे बड़ा दुख हुआ कि जब पाकिस्तान जो है डिसइंटीग्रेट हो गया। क्यों? हमने सोवियत यूनियन के साथ तसादुम की सूरत हाल इख्तियार कर दी थी। 1971 में सोवियत यूनियन ने क्या किया? उसने सारे ऑप्शंस क्लोज करा दिए कि चाइनीज इंटरवेंशन, बाकी इंटरवेंशन, और इस पाकिस्तान को अलहदा कर दिया आपसे, बिकॉज जनरल याया वेंट देयर एंड इंसल्टेड पॉडगॉर्नी इन ईरान। ठीक है जी, मुझे सुन सकती है अगर तो काइंडली अच्छा चले माइक उतार दिए जी। ये जो है क्या कहते हैं इसको, उसमें हमें सुपर पावर के साथ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। ये कहते हैं कि जी हमारे पास अभी वो ऑप्शंस आ गए हैं, सीपैक से बहुत पैसा आ गया। सीपैक आपका कर्जे का पैसा है, ठीक है, एब्सोल्यूट। आपको डायरेक्ट कौन देता है कैश? यूनाइटेड स्टेट्स देता है, जापान देता है, यूनाइटेड किंगडम देता है। ये तीन ममालिक है जो आपको कैश देते हैं इस तरह करके, या सऊदी अरेबिया शायद एक और मुल्क है जो आपको कैश देता है, ठीक है, जिससे आपका आपके मेजर एक्सपोर्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स को जाते हैं। आपको पता है कि 60% ऑफ योर एक्सपोर्ट्स आर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जो 21-22 बिलियन पे आप चल रहे हैं इस वक्त वो यूनाइटेड स्टेट्स। मैं ये कहता हूं कि हमें थोड़ा सा अपने सेल्स को ट्रिम करना चाहिए, हमें ये बड़ी बड़ी जो वो है स्टेटमेंट्स या इस किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। हमें अपने जो भी हमारी नेशनल पावर है उसमें रहना चाहिए। चाइना कभी भी आपकी एड को नहीं आएगा। मुझे एक ये चीज बता दें ब्रिगेड साहब, अगर आपने कहा कि ये अवाम को दिखाने के लिए बहना, चले अगर अवाम खुश होते तो शमसी वाला नहीं था। मैंने शमसी का आपको एग्जांपल दे दिया ना, शमसी के आप स्टेटमेंट्स निकाल दें, फ्रॉम दी आईएसबीआर भी निकाल दें और फ्रॉम दी फॉरेन मिनिस्ट्री भी निकाल दें। आई थी कंडेमनेशन की स्टेटमेंट्स के नहीं आई थी जी, वो किधर से उड़ रहे थे? ठीक है सर, मैं कहता हूं कि आप सच बोले। उस वक्त मैसेज नहीं बताया गया था, उस वक्त बताया था कि ये किधर किधर से आ रहे हैं। ये तो सलाला का जब इंसिडेंट हुआ और आपने कहा शमसी को बंद करें, तब ये सच सामने आया। और अमेरिकन एक न्यूज़पेपर था या पीरियोडिकल था जिसने तस्वीरें उतार के आपको शमसी एयरबेस की बता दी कि ये तो पाकिस्तान से उठ रही। ठीक है रऊफ हसन साहब, सर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मुझे ये बताइएगा कि अब मतलब क्या तरीकाकार क्या होना चाहिए, पाकिस्तान क्या ऑप्शन रखे कि हम बहुत ज्यादा रिलाय ना कर जाए चाइना की दोस्ती और चाइना की बैकिंग पे, बल्कि बाकी ममालिक के साथ बिल्कुल अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात वर्केबल कम अज कम रखें, ठीक रखें और ऐसे पे ना दें जो ब्रिगेड साहब ने कहा। आप भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू के हामिल हैं? 150%। देखिए जी, हमने अगर आप हिस्टोरिकली आप इसको रिव्यू करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि ब्रिगेड साहब ने उसका ऑलरेडी इरादा कर दिया है, लेकिन जस्ट टू मेक इट मोर सिंपल, सोवियत यूनियन की तरफ से हमें सबसे पहले इन्विटेशन आया था कि क्या विजिट करें। हमारे पास 2 साल वो पेंडिंग रहा है और हम अमेरिका के इन्विटेशन का इंतजार करते रहे, जब आया हम बात के वहां चले गए। हमें खत्ते से अपने आप को जुदा कर लिया, या हमने अमेरिका के पास चले गए या फिर हम लोगों ने अरब वर्ल्ड में चले गए, सऊदी अरेबिया के पास चले गए, और खत्ते में हम आइसोलेट होकर रह गए पहले दिन से। ये जिसे कहना चाहिए फ्लॉट फॉरेन पॉलिसी का एक निशानी है। उसके बाद हम अमेरिका की गोद में बैठे रहे और कभी ऊपर कभी नीचे, अप्स एंड डाउन्स इन दैट रिलेशन, उनकी भी गलतियां हमारी भी गलतियां, वो बहुत लंबी कहानी है, कभी बैठेंगे तो उसको भी कर लेंगे। आज हमने कोशिश ये की है जी कि हम फील करते हैं कि चाइना के साथ हम खड़े हैं और हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। इससे बड़ी गलतफहमी कोई नहीं हो सकती, और मेरा ख्याल है कि ब्रिगेडियर साहब ने इसको बहुत एलिबरेटली एक्सप्लेन कर लिया, मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं। जरूरत क्या है इस वक्त पाकिस्तान को? पाकिस्तान की जरूरत यह है कि नंबर एक खत्ते के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करें। चाइना के अलावा इस वक्त किसी के साथ आपके ताल्लुकात ठीक, इंडिया हो या अफगानिस्तान हो, ईरान हो, नहीं है। देखिए ऐसे ममालिक सर्वाइवल रास्ते सर्वाइव नहीं कर सकते। नंबर एक, नंबर दो, हमें एक बैलेंस रखना चाहिए अपने ताल्लुकात अमेरिका के साथ और अपने ताल्लुकात चाइना के साथ। हमें चाइना को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन चाइना के साथ जो हम मुआहदे कर रहे हैं मेरे भाई, उसकी जरा हकीकत जो है वो भी आवाम के सामने, हमारे सामने आनी चाहिए। कुछ इनपुट मेरे पास है, मैं इसको इस वक्त यहां बयान नहीं करना चाहता क्योंकि फिर शायद हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाएं कि जी हम अपने मुल्क को डाउनग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वो दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए क्या हमने बहुत देर कर दिया या अभी भी मौका है? यहां पर इंडियन इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है। मैं कहता हूं कि जी देखिए, अफगानिस्तान को आप हिंदुस्तान की आंख से मत देखिए,
उसको डीलिंक करें. मैं आज भी फील करता हूं कि इन स्पाइट ऑफ सो मच यू नो व्हिच हैज हैपेंड, हम आज भी अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंप्रूव कर सकते हैं और हमें करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए. हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है सवाए इसके कि अफगानिस्तान के हम अपने साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करें. अमेरिका के साथ आपके कन्वर्जेंसेस भी हैं, डाइवर्जेंसेस भी हैं. अभी हमारी वो उनके साथ चौथा जो राउंड हुआ है उसमें हमारे सामने क्लियर आए हैं, उसमें कन्वर्जेंसेस भी हैं. कन्वर्जेंसेस को आप और ज्यादा उसके ऊपर काम करें, जो डाइवर्जेंसेस हैं उनको रिमूव करने की आप कोशिश करें. और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कर सकते हैं. अमेरिका आपको नहीं छोड़ सकता, अमेरिका के लिए आप भी बहुत अहम हैं इस खत्ते में, वो आपको छोड़ नहीं सकता. और आपको ये इंप्रेशन नहीं क्रिएट करना चाहिए कि जी भाड़ में जाए अमेरिका, बिकॉज आप भी अमेरिका को नहीं छोड़ सकते, ना आपको छोड़ना चाहिए. तो ये रियलिटीज है. रियलिटी चेक्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. देखिए आपको चाहिए, आप एक डेवलपिंग मुल्क है, जहां से भी आप जिसके साथ भी दोस्ती बढ़ा के आप इस डेवलपमेंट को एक्सपेडाइट कर सकते हैं, आप इकोनॉमिकली आगे जा सकते हैं, आप करें. और बिल्कुल सही बात है कि कैश फंडिंग आपकी सिर्फ ये तीन ममालिक करते हैं. और इस वक्त जो चाइना की जो लोन जो आई रही है आपके पास, 12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है और 44 बिलियन के लोन्स हैं, और उन लोन्स जो हैं उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं. हमने वापस करने हैं, हम सब लोगों ने वापस करने हैं, इस मुल्क ने वापस करने हैं. कहां से वापस करें, कैसे करें? तो ये एक चाहिए कि आपको प्रैग्मेटाइज करें कि आपने यहां खड़े हैं, आपने कहां जाना है और आपने किस तरह वहां जाना है. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है कि ये जो पॉलिटिकल हुकूमतें आपकी इस वक्त इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही हैं, जो पांच साल में या अब क्यों कर रहे हैं, इनके पास कोई लाया अमल नहीं, इनका कुछ नजर नहीं आता सवाए ये जिसको ब्रिगेडियर साहब ने बम्बास्टिक स्टेटमेंट्स कहा है कि जी आज कुछ कल कुछ परसों कुछ. आपने कहा जी कि चले ठीक है अगर आवाम की उसमें तशफी हो जाती है, मेरे भाई आवाम की तशफी के लिए आप झूठ बोलेंगे? क्या हम झूठ बोलते रहेंगे आवाम के साथ? क्या हमको हकीकत हाल का इल्म नहीं होना चाहिए ताकि वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डाल सके उसमें? मेरे सर कहने का मकसद वो नहीं था, लेकिन क्योंकि मतलब इस तरह की बयानात की हद तक चीजें बहुत मुख्तलिफ होती हैं और की जाती हैं. ब्रिगेड साहब वाली बात ये भी तो नहीं कह सकते कि हम अंदर जाके लेट गए थे तो कुछ तो नहीं. सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. उन्होंने कुछ तो कहना है तो वो कुछ सही कह रहे हैं. आपका क्या ख्याल है कि वो जब यहां पर आए थे अल्टीमेटम के साथ आए थे, ठीक है जी, और उनकी स्टेटमेंट बड़ी नरम थी, वो किस वजह से हो सकती है कि आप उनकी बात कॉमन ग्राउंड आप उसके ऊपर आ गए थे जी? ये सारी चीजें जो है ना, मतलब अपने लोगों से जो हमारी रियलिटी है क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, वो नहीं होना चाहिए कि छुपाना नहीं चाहिए. 15 दिसंबर को आप कह रहे हैं कि जी कल हम लड़ाई जो है वो जीत रहे हैं और आप सरेंडर करते हैं उसके बाद, ये नहीं होना चाहिए. हम अपने लोगों को हकीकत में. और दूसरे मैं अफगानिस्तान के बारे में सिर्फ मैं दो बातें ऐड करना चाहता हूं. एक ये है कि अशरफ गनी जैसा दोस्त आपको नहीं मिलेगा, इसको आप कैश करें ठीक. अफगानिस्तान में आपको और कोई नहीं मिलने वाला. दूसरी बात यह है कि ये इस प्रिजम्पशन के ऊपर मत जाए आप कि अफगान जो है ना वो इंडियन इंटरेस्ट को सुप्रीम समझते हैं और अपने वाले को अफगान विल ऑलवेज कंसिडर द अफगान इंटरेस्ट सुप्रीम. प्लीज एक्सप्लॉइट दैट. हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये बात हमको कॉमेंट के जरिए बताते रहे. हमारी चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना.